देखें जी, जो पेपर आप डिस्कस हम करने जा रहे हैं टैक्सेशन एसेट्स, पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि हमारा सिलेबस क्या है और एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, कौन कौन से एरियाज से हमें क्वेश्चन दिए जाएंगे और उसके बाद हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, हम कहाँ से स्टार्ट लेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका जो सिलेबस है टैक्सेशन का, दिस सिलेबस कंप्राइजेज ऑफ फाइव एरियाज। वन इज इनकम टैक्स, द ह्यूज पोर्शन, सबसे बड़ा पोर्शन जो सिलेबस का है वो है इनकम टैक्स। उसके बाद नेक्स्ट आपका पोर्शन है कॉरपोरेशन, थर्ड आपका पोर्शन है इनहेरिटेंस टैक्स, अनदर पोर्शन इज वैल्यू एडेड टैक्स जिसको हम वैट भी कहते हैं, एंड अनदर पोर्शन इज चार्जेबल गेन टैक्स CGT। ये पांच एरियाज हमारे सिलेबस के अंदर हैं और इन पांचों एरियाज से हमें एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस दिए जाते हैं और हमें देखना होता है कि कौन से एरिया से क्या सवाल आएंगे। तो सबसे ज़्यादा वेटेज वाले एरियाज हैं इन टर्म्स ऑफ कवरेज ऑफ द सिलेबस। सो ये दो एरियाज काफ़ी छोटे एरियाज हैं, वैल्यू एडेड टैक्स एंड इनहेरिटेंस टैक्स, एंड द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव एरिया इज इनकम टैक्स कंप्यूटेशन। आपका जो पेपर फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंगली आपके पेपर में देर आर थ्री सेक्शंस, सेक्शन ए में आपके पास 15 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, MCQs एंड OTQs। एक क्वेश्चन की जो मार्क्स होंगे वो होंगे दो, तो टोटल आपके पास 30 मार्क्स जो हैं वो सेक्शन ए से आएंगे। ये जो सेक्शन ए है ये कहाँ से आएगा, ये पूरे सिलेबस से कवर होता है। एग्जामिनर कोई भी एरिया उठा सकता है, किसी एरिया पे कम पूछ सकता है, किसी एरिया से ज़्यादा पूछ सकता है, इसकी कोई वर्किंग शो नहीं करनी, स्ट्रेट या तो आपका आंसर ठीक होगा या आपका आंसर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट जो है आपका वो है सेक्शन बी। सेक्शन बी में आपके पास 3 MTQs आएंगे और इन MTQs का ब्रेकअप इस तरह से होगा, 10 mark each, 10 mark each, सो टोटल वेटेज हो गई 30 marks। अच्छा, हर MTQ में आपके पास 5 OTQs होंगे, सो 5 OTQs मल्टीप्लाई बाय 2 = 10 marks। सेक्शन बी में आपको एक छोटा सा सिनेरियो दिया जाएगा और उस सिनेरियो से रिलेटेड आपसे 5 सवाल पूछे जाएंगे, होंगे वो भी MCQs या MTQs, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, और उसकी भी आपको वर्किंग शो नहीं करनी। ये सेक्शन बी लाइकली चांसेस है कि कहाँ से आएगा, इसमें एक सवाल जो है वो वैट से आता है नॉर्मली, दूसरा सवाल IHT से आता है और तीसरा सवाल CGT से आता है, नॉर्मली नॉर्मली यहाँ से आता है। और अभी जो आपका एग्ज़ाम हुआ है मार्च 2021, उसमें एग्जामिनर ने इसी पैटर्न के ऊपर सेक्शन बी से एक सवाल वैट का पूछा, एक सवाल IHT का पूछा और एक सवाल CGT का पूछे। तो ये 60 मार्क्स जो आपके कवर होते हैं इंटायरली, ये 60 मार्क्स कवर होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में, जिसके लिए आपको कुछ लिखना नहीं पड़ता, उसको आपको कोई थ्योरी नहीं थ्योरी लिखनी नहीं पड़ती। इसके अंदर कैलकुलेशन बेस्ड सवाल भी हो सकते हैं और थ्योरी बेस्ड सवाल भी हो सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट पार्ट, द लास्ट वन इज सेक्शन सी, विच इज CRQ, कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन। F6 के सिलेबस में जो आपके पास CRQ आएगा उसके अंदर 3 questions होंगे, 40% के लिए आपके पास 3 questions होंगे जिसमें से एक क्वेश्चन
आपके पास आएगा इनकम टैक्स पोर्शन से, जो हमारे सिलेबस में इनकम टैक्स पोर्शन है वहां से कंपलसरी 15 नंबर का सवाल आएगा। एक क्वेश्चन हमारे पास हमारे सिलेबस का जो दूसरा पोर्शन है कॉरपोरेशन टैक्स, वहां से आएगा अगेन 15 मार्क्स का। तो ये 30 मार्क्स जो है वो डिफाइंड है, हमेशा क्वेश्चन एक इनकम टैक्स से आना है, एक कॉरपोरेशन से आना है, और जो तीसरा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपके पास आना है विच इज अननोन, एंड दैट अननोन इज वर्थ 10 मार्क्स। तो ये 10 मार्क्स का सवाल आपके पास आना है, तो इस तरह से ये 40 मार्क्स की वेटेज बनती है टोटल। तो दिस कंप्राइजेज ऑफ 40 मार्क्स। अच्छा, अब इस 40 मार्क्स के लिए आपको जो टूल प्रोवाइड किया जाएगा कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस, इसके लिए आपको एक्सेल और वर्ड स्पेस, अगर थ्योरी देता है एग्जामिनर तो उसके लिए आपको वर्ड स्पेस देगा, और कैलकुलेशन के लिए आपको एक्सेल इस्तेमाल करनी पड़ेगी, और ये ह्यूमनली मार्क्ड होगा, ये मार्क किया जाएगा, इसके अंदर आपको स्टेप्स के मार्क्स भी मिलेंगे। अगर आपने पूरा क्वेश्चन सही नहीं किया और स्टेप्स ठीक किए तो आपको स्टेप्स के मार्क्स मिलेंगे। इसके लिए फॉर्मेटिंग बहुत ज़रूरी है कि आपको फॉर्मेट्स वगैरह पता होना चाहिए। टैक्सेशन का जो पेपर है उसका डिफ़िकल्टी लेवल क्या है, उसमें कितनी कैलकुलेशन आती है, कितनी थ्योरी आती है, ये आपको अच्छी तरह से क्लियर होना चाहिए, कितनी कैलकुलेशन आती है, कितनी थ्योरी आती है। सो टैक्सेशन के पेपर में ओवरऑल इट्स मोस्टली न्यूमेरिकल, इज मोस्टली कंप्यूटेशनल पेपर, और थ्योरी इसके अंदर जो होती है वो टैक्स रूल से रिलेटेड थ्योरी होती है, थ्योरी इज रिलेटेड विद टैक्स रूल्स एंड डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स वगैरह वगैरह वगैरह। सो आप ये समझ सकते हैं कि ये इंटायरली कंप्यूटेशनल पेपर है, और यू कैन से दैट 80% कैलकुलेशन बेस्ड पेपर आएगा, और 20% ऑफ द सिलेबस इज 20% ऑफ इज बेस्ड ऑन थ्योरी। अब ये थ्योरी सेक्शन ए में भी पूछी जा सकती है, बी में भी पूछी जा सकती है, और सी में भी पूछी जा सकती है। टैक्स का जो वेरिएंट है, देयर आर सो मेनी वेरिएंट्स, लेकिन एग्जाम में जो स्टूडेंट यूजुअली वेरिएंट ऑप्ट करते हैं वो यूके टैक्स ऑप्ट करते हैं, और हम भी यूके वर्जन ही डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपको अदर देन यूके वर्जन लेना है तो उसके लिए आपको किसी और को रेफर करना पड़ेगा। ये यूके वेरिएंट के वर्जन की क्लासेस हम ले रहे हैं, और इसका मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन उर्दू लैंग्वेज है। हम जून 2021 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, और सिलेबस के जो हमारे पास एरियाज हैं जो हमने शुरू में डिस्कस किए, इनकम टैक्स, कॉरपोरेशन टैक्स, इनहेरिटेंस टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, इन चार्जेबल गेन टैक्स, तो ये कुछ ऐसे एरियाज हैं। तो यू कैन आइडेंटिफाई कि इनहेरिटेंस टैक्स से कम 10 नंबर का सवाल आएगा, वैल्यू एडेड टैक्स से कम 10 नंबर का सवाल आएगा, सीजीटी से मिनिमम 10 मार्क्स का सवाल आएगा, कॉरपोरेशन से मिनिमम 15 और इनकम टैक्स से मिनिमम 15। तो ये 60% ऑफ द सिलेबस तो डिफाइंड सिलेबस है आपका। बाकी इनहेरिटेंस टैक्स से 15 मार्क्स का सवाल भी आ सकता है, मैक्सिमम वैट 15 मार्क्स का हो सकता है, सीजीटी मैक्सिमम 20 का हो सकता है, कॉरपोरेशन मैक्सिमम 25 का हो सकता है, इनकम टैक्स मैक्सिमम 30 मार्क्स तक भी जा सकता है। इनकम टैक्स क्योंकि बड़ा टॉपिक है, इनकम टैक्स के अंदर देर आर सो मेनी एरियाज जो हम कवर करेंगे अंडर इनकम टैक्स। सो हमारा जो इनकम टैक्स का टॉपिक है इट कवर्स फ्यू की एरियाज, जिसमें से एक एरिया है एम्प्लॉयमेंट इनकम। आप अपने एम्प्लॉयमेंट इनकम पे कैसे टैक्स लगाते हैं। दूसरा एरिया है बिजनेस इनकम, ट्रेडिंग प्रॉफिट विच इज अर्न बाय अ सोल ट्रेडर और अ पार्टनरशिप बिजनेस, उस पर किस तरह से टैक्स लगाते हैं। तीसरा सोर्स ऑफ इनकम है प्रॉपर्टी इनकम। तो एक इंडिविजुअल अपनी पर्सनल कैपेसिटी में जो भी इनकम अर्न करता है उसके ऊपर टैक्स अथॉरिटी इनकम टैक्स लगाती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैक्सेस दुनिया में। जनरली अगर हम टैक्सेस की टाइप्स बात करें तो हम टाइप ऑफ टैक्स को दो हिस्सों में क्लासिफाई करते हैं। एक क्लासिफिकेशन होती है जिसको कहा जाता है डायरेक्ट टैक्स, और दूसरी क्लासिफिकेशन होती है जिसको कहा जाता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स जो एप्लीकेबल होता है ये गेन के ऊपर लगता है, जैसे हमारा सीजीटी है,
ये इनकम के ऊपर लगता है जैसे हमारी एम्प्लॉयमेंट इनकम है, ये प्रॉफिट के ऊपर लगता है जैसे हमारे पास सोल ट्रेडर से आने वाली प्रॉफिट है। इनडायरेक्ट टैक्स कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर लगाया जाता है, इनकम पे या वेल्थ पे नहीं लगाया जाता। यूके के अंदर जो आपका इस सिलेबस में जून 2021 है उसमें एक नया फाइनेंस एक्ट इंट्रोड्यूस हुआ है आपके सिलेबस में, एंड दैट न्यू फाइनेंस एक्ट इज FA20, विच इज 2021। फाइनेंस एक्ट 20 के अंदर जितने भी रूल्स हमारे सिलेबस के हिसाब से हैं वो हम डिस्कस करेंगे। यूके के अंदर इंडिविजुअल के लिए जो टैक्स ईयर होता है फॉर एन इंडिविजुअल, जिस ईयर के अगेंस्ट उसकी इनकम काउंट की जाती है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 6 अप्रैल और ये 12 महीने पूरे होते हैं अगले 5 अप्रैल तक। सो एक टिपिकल टैक्स ईयर किसी भी इंडिविजुअल के लिए यूके में स्टार्ट होता है 6 अप्रैल से और वो 5 अप्रैल के अंदर ख़त्म हो जाता है। सो फॉर एग्जांपल अगर हम FA20 की बात करेंगे तो हमारा FA20 का टैक्स ईयर स्टार्ट होगा 6 अप्रैल 2020 से और एंड होगा 5 अप्रैल 2021 से, 2021। ये हमारा एक इंडिविजुअल के लिए यूके में टैक्स ईयर है। रिसोर्सेज की जहां तक बात की जाए, अगर आपको पहली अटेम्प्ट के अंदर ये पेपर पास करना है तो आपको क्या रिसोर्सेज इस्तेमाल करने चाहिए? सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है वो है लेक्चर्स। आप किसी से भी लेक्चर्स लें, ऑनलाइन लेक्चर्स लें, प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स लें, वॉट एवर आप जो भी लें, लेक्चर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप सेल्फ स्टडी करेंगे, यू माइट बी डिस्ट्रैक्टेड, आपको प्रॉब्लम होगी, तो आप एक अच्छे क्वालिटी लेक्चर से अपना सिलेबस कवर करें। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको नोट्स दिए जाएंगे हर चैप्टर के, आप अपनी टैक्स की थ्योरी सारी उन नोट्स से कवर करेंगे और आप फॉलो करेंगे एक अदद रिविजन किट। मिनिमम एक रिविजन किट आपको फॉलो करनी है और मेरी प्रेफरेबल रिविजन किट है कैपलान की। अगर आप कैपलान की रिविजन किट को एक या दो मरतबा कर लें मैक्स, तो आपको BPP की या कोई और प्रैक्टिस मटेरियल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारा लाइन ऑफ एक्शन ये होगा कि हम टैक्स के रूल साथ साथ डिस्कस करेंगे और प्रैक्टिस साथ साथ करेंगे और साथ साथ रिविजन किट की प्रैक्टिस करेंगे और हमारी प्रैक्टिस तीनों कॉम्पोनेंट्स को कवर करेगी। हमारी प्रैक्टिस में MCQs भी होंगे, हमारी प्रैक्टिस में MTQs भी होंगे और हमारी प्रैक्टिस में लॉन्ग क्वेश्चन एक्सेल के ऊपर भी प्रैक्टिस करवाए जाएंगे आपको, और कुछ सवाल आपको रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करने के लिए दिए जाएंगे और जिसको आपको एक्सेल पे करके सबमिट करने पड़ेंगे ट्यूटर को, ताकि ट्यूटर ये मार्क कर सके कि जी आपको आता है या आपको नहीं आता। सो हम डिस्कस कर रहे थे रिसोर्सेज के बारे में, तो देखें अब इसमें बुक कहाँ पर आती है। स्टूडेंट ये पूछते हैं ट्यूटर से कि सर बुक पढ़नी चाहिए? ऑब्वियसली बुक पढ़नी चाहिए, लेकिन बुक को हम रेट कर रहे हैं एट द एंड। अगर आप बुक रीडिंग करते हैं तो दैट इज़ वेरी वेरी गुड, लेकिन अगर आप बुक रीडिंग नहीं करते तो एटलीस्ट फ्यू चैप्टर्स ऐसे हैं जिन्हें आपको बुक से लाजमी रीड करना है। वो आपको ट्यूटर गाइड करेगा कि वो कौन से चैप्टर्स हैं जो आपको बुक से पढ़ने हैं और बाकी सिलेबस आप थ्योरेटिकल अपने नोट्स से कवर करेंगे। अगेन लेट मी जस्ट मेक इट करेक्ट और मेक इट क्लियर दैट बुक रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन क्योंकि हमारे लेक्चर्स के अंदर सारे टैक्स के रूल्स और हमारे नोट्स के अंदर सारे टैक्स के रूल्स कवर होंगे, तो अगर एक शख्स बुक रीडिंग थॉरली नहीं करना चाहता या उसके पास टाइम नहीं है या उसे अच्छा नहीं लगता, तो वो उसके बगैर भी मार्क्स लेकर पास हो सकता है। लेकिन आई विल प्रेफर कि आप बुक रीडिंग करें, बट रिविजन किट अल्टीमेट वेपन आपके पास कौन सा है? आपकी रिविजन किट। रिविजन किट इंक्लूड्स ऑल मॉडिफाइड पास पेपर्स, तो आपको किसी भी वेबसाइट के कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके जितने भी पास पेपर्स हैं उन सब का क्वेश्चन मटेरियल आपको रिविजन किट के अंदर मिल जाएगा। और आपको रिविजन किट जो है, अभी लेटेस्ट रिविजन किट मार्केट के अंदर नहीं आई है, विद इन अ वीक देर आर चांसेस कि लेटेस्ट रिविजन किट आ जाएगी, तो
आप अपने वेंडर से या ऑनलाइन आपको मिल जाती है, ठीक है, हमारे पास जैसे ही आएगी हम आपके साथ अपनी सॉफ्ट वर्जन जो है वो शेयर करेंगे जैसे ही हमारे पास आती है। और अभी फॉर द टाइमिंग आप हमारे नोट्स से गुजारा करेंगे, जैसे जैसे हमारे चैप्टर होते जाएंगे हर चैप्टर के नोट्स आपको गूगल ड्राइव के ऊपर एक्सेस दिया जाएगा और आप उसको नोट्स को यूज़ कर सकते हैं। क्वेरी की सेटलमेंट के लिए आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप यूज़ करेंगे जो कि हर सेशन के लिए नया क्रिएट किया जाता है, और जितनी भी आपकी डेली बेसिस पे क्वेरीज हैं वो आप सेटल करें, वरना लाइव क्लास में आप जितनी भी क्वेरीज होंगी उनको सेटल कर सकते हैं। आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप साथ साथ अपने टॉपिक्स कवर करें। टेक्स का सिलेबस बहुत ज़्यादा है, बहुत ह्यूज सिलेबस है, तो उसको कंपाइल करने की ज़रूरत नहीं। जो प्रॉब्लम स्टूडेंट के साथ आती है टेक्स के पेपर में वो ये आती है, हाउ टू मेमोराइज टेक्स रूल्स। एट द एंड ऑफ द डे आपको सबसे बड़ा जो हर्डल आएगा वो ये होगा कि टेक्स रूल्स आपको याद नहीं होंगे, स्पेसिफिकली टेक्स की डेट्स। बहुत सारी डेट्स आपके सामने आएंगी कि इस डेट के ऊपर आपको रिटर्न फाइल करना है, इस डेट के ऊपर आपको पेमेंट करनी है, इस डेट के ऊपर आपको ये करना है, तो वो स्टूडेंट्स ही याद नहीं होती। इसका आसान सॉल्यूशन ये है कि आप प्रैक्टिस करके अपनी रूल्स को पक्का करें। प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। एक सवाल अगर आपको टीचर करवाता है क्लास के अंदर तो उसको आप 3 मरतबा प्रैक्टिस कर लें, आपको रूल याद हो जाएगा। फिर अगर आप उसी टॉपिक का एक और सवाल करेंगे तो और रूल्स याद हो जाएंगे। तो आप रिवाइज करते रहें और कोशिश करें कि चार्ट्स और मैप्स वगैरह बनाएं अपने पास और समराइज नोट्स वगैरह इस्तेमाल करें, समरी नोट्स इस्तेमाल करें ताकि आपको वो याद रह जाए। बुक को बार बार यूज़ करना टू मेमोराइज द टेक्स्ट रूल इट इज़ नॉट एडवाइजेबल। नोट्स आपको दिए जा रहे हैं, उस नोट्स को आप हाईलाइट कर लें कि ये की पॉइंट्स हैं, और रेगुलर बेसिस के ऊपर उन नोट्स को आप इस्तेमाल करें तो वो इजीली आपको हेल्प आउट कर देंगे। एग्जाम में आइडियली आपके पास, क्योंकि इनकम टैक्स का पोर्शन जो है उस पर तकरीबन 12 से 13 चैप्टर्स हैं, कॉरपोरेशन पे 4 से 5 चैप्टर्स हैं, वैट का 2 चैप्टर्स हैं, इनहेरिटेंस टैक्स का 1 चैप्टर है, तो आइडियली आपके पास जो सबसे पहले एरिया आपको कवर करना चाहिए वो एरिया है इनहेरिटेंस टैक्स। सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से छोटा एरिया, आप इनकम टैक्स भी कर सकते हैं, आप कॉरपोरेशन, जो आपको आसान लगे, ठीक है, लेकिन जो छोटा एरिया है उसके ऊपर आपको मिनिमम एफर्ट में 15 मार्क्स मिल रहे हैं, और जो बड़ा एरिया है जब आप 8, 10, 9, 12 चैप्टर कवर करेंगे तो तब जाके आपको 20-25 मार्क्स मिलेंगे। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए सबसे ज्यादा जो आउटस्टैंडिंग ग्रिप वाला टॉपिक है, एक है इनहेरिटेंस टैक्स और दूसरा है वैल्यू एडेड टैक्स, क्योंकि एग्जाम में 25 से 30% वेटेज इसकी आती है। तो अगर आपके ये दो टॉपिक्स आउटस्टैंडिंग होते हैं तो आपका एग्जाम में सर्वाइव करना इजी हो जाएगा, पास होना आसान हो जाएगा। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज अपनी कुछ डिस्कशन करेंगे, बेसिक डिस्कशन करेंगे इनहेरिटेंस टैक्स IHT, कि IHT क्या होता है, किसके ऊपर लगता है और क्यों लगता है, किस तरह से लोग IHT पे करते हैं, कब पे करते हैं, किसको देना होता है। देखिए, एक चीज़ ध्यान में रखें कि अगर एक शख्स UK रेजिडेंट है, UK रेजिडेंट का मतलब होता है टैक्स पर्पस के लिए वो शख्स UK रेजिडेंट है। इसकी एक डेफिनेशन है पूरी, वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे कि रेजिडेंट कौन बनता है और कैसे बनता है, क्या कंडीशन है जिससे बंदा UK रेजिडेंट बन जाता है। अगर एक शख्स UK रेजिडेंट है किसी भी गिवन टैक्स ईयर में, तो उसे वर्ल्ड वाइड इनकम पे टैक्स देना पड़ता है UK के अंदर। वर्ल्ड वाइड इनकम इज टैक्सेबल इन UK। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बड़ा सिंपल है कि अगर एक शख्स UK रेजिडेंट है, वो कहीं भी रहे, अगर वो UK रेजिडेंट है, वो जहां से भी इनकम जनरेट करेगा, चाहे वो UK से इनकम जनरेट करे, US से, पाकिस्तान से, इंडिया से, नेपाल से, उसको अपनी टोटल वर्ल्ड वाइड इनकम के ऊपर UK के अंदर टैक्स देना। लेकिन अगर एक शख्स नॉन UK रेजिडेंट है तो उसके लिए एक आसानी ये है कि जो नॉन UK रेजिडेंट होगा उसे वर्ल्ड वाइड इनकम पे टैक्स नहीं देना पड़ेगा, उसे अपनी UK इनकम जो होगी इज टैक्सेबल इन UK।
मसलन एक शख्स है जो कि यूके रेजिडेंट नहीं है और इंडियन रेजिडेंट है, लेकिन वो यूके में कुछ इनकम अर्न कर रहा है, तो यूके वाले उसकी इंडियन इनकम पे टैक्स नहीं लगाएंगे, बल्कि यूके वाले सिर्फ उसकी यूके इनकम पे टैक्स लगाएंगे। लेकिन एक शख्स है लेकिन वो यूके रेजिडेंट है और रहता इंडिया के अंदर है लेकिन यूके रेजिडेंट है, तो वो इंडिया से भी कमा रहा है, वो यूके से भी कमा रहा है, वो पाकिस्तान से भी कमा रहा है, तो उसकी पूरी दुनिया की जो इनकम होगी यूके टैक्स अथॉरिटी उसको टैक्स करेगी यूके के अंदर। यूके की टैक्स अथॉरिटी का नाम है HMRC, हर मैजेस्टी रेवेन्यू एंड कस्टम। ये कलेक्शन के लिए अल्टीमेटली टैक्स कलेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी है। नाउ इनहेरिटेंस टैक्स क्या होता है, किसको देना होता है, क्यों एप्लीकेबल होता है, उसको थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इनहेरिटेंस टैक्स, देखें इनहेरिटेंस टैक्स दो चीजों पे लगता है। पहली चीज होती है जिसको हम कहते हैं लाइफ टाइम गिफ्ट। एक शख्स अपनी जिंदगी में अगर किसी को कोई चीज गिफ्ट करता है तो देर इज अ लाइकली चांस कि उस गिफ्ट के ऊपर उसे IHT कॉन्सिक्वेंसेस बेयर करने पड़ेंगे जिंदगी के अंदर, जिंदा रहते हुए लाइफ टाइम गिफ्ट। और अगर एक शख्स की डेथ हो जाती है तो उसकी डेथ की वजह से जो उसके पास नेट एसेट्स होंगे, जो बच गए होंगे, जो उसने अपनी विल में किसी शख्स को ट्रांसफर किए होंगे, उसके ऊपर जो टैक्स लगेगा वो भी अंडर IHT कवर होता है। सो IHT दो चीजों पे लगता है, गिफ्ट पे लगता है और डेथ स्टेट पे लगता है जो उसकी डेथ के अंदर चीजें शामिल होती हैं। लाइफ टाइम जो गिफ्ट्स किए जाते हैं तो जो गिफ्ट देने वाला है उसको हम कहते हैं डोनर। जो गिफ्ट दे रहा है उसको डोनर कहा जाता है और जो गिफ्ट ले रहा होता है उसे डोनी कहा जाता है या रिसीवर भी कहा जा सकता है। अब अगर एक शख्स अपनी जिंदगी में अपने बेटे को कोई गिफ्ट देता है, अपनी डॉटर को कोई गिफ्ट देता है, वाइफ को गिफ्ट देता है, किसी ट्रस्ट को देता है, तो वह सब लाइफ टाइम गिफ्ट के अंदर आएंगे। लाइफ टाइम गिफ्ट को टू टाइप्स के अंदर क्लासिफाई किया जाता है। इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन एक होती है PET विच इज कॉल्ड पोटेंशियली एग्जेम्प्ट ट्रांसफर। पोटेंशियली एग्जेम्प्ट ट्रांसफर ये ऐसा गिफ्ट है जो पार्शियली टैक्सेबल होता है, पार्शियली एग्जेम्प्ट होता है। दूसरी क्लासिफिकेशन होती है CLT विच इज कॉल्ड चार्जेबल लाइफ टाइम ट्रांसफर। अब ये कैसे पता लगेगा कि अगर एक शख्स ने अपनी जिंदगी में एक गिफ्ट दिया किसी को तो वो पोटेंशियली एग्जेम्प्ट ट्रांसफर में क्लासिफाई होगा या चार्जेबल लाइफ टाइम में ट्रांसफर में क्लासिफाई होगा? तो आपके सिलेबस में एनीथिंग दैट हैज बीन गिफ्टेड टू अ ट्रस्ट वो हमेशा क्लासिफाई होगी एज CLT। ट्रस्ट आप लोगों को आइडिया होगा ट्रस्ट क्या होता है, एग्जाम में मेंशन होगा कि आपने ये गिफ्ट उठा के ट्रस्ट को दे दिया है तो आप उसको क्लासिफाई कर लेंगे एज CLT। आपको ट्रस्ट के बारे में मालूमात हासिल करने की जरूरत नहीं है कि ट्रस्ट क्यों बनते हैं, किस लिए बनते हैं, बेनिफिशियरी कौन होते हैं, ये सिलेबस का पार्ट नहीं है। सिलेबस का पार्ट ये है कि अगर ट्रस्ट को कोई गिफ्ट दिया जाए तो उसके ऊपर IHT के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, टैक्स कौन देगा, कैसे देगा, कितना टैक्स देगा, कब टैक्स देगा। पोटेंशियली ट्रांसफर क्या हो गए अदर देन ट्रस्ट, तो आपके सिलेबस में अदर देन ट्रस्ट के अंदर एग्जाम्पल आ सकती है कि उसने डॉटर को गिफ्ट किया, उसने अपने बेटे को गिफ्ट किया, उसने अपने ब्रादर को गिफ्ट किया, उसने अपने नेफ्यू को गिफ्ट किया, कोई भी शख्स अदर देन ट्रस्ट इसकी डेफिनेशन में आ सकता है। नाउ एन इंपॉर्टेंट थिंग, अगर गिफ्ट किया जाए जो कि हस्बैंड टू वाइफ हो या सिविल पार्टनर फ्रॉम वन पार्टनर टू अनदर हो इन UK इज टैक्स एग्जेम्प्टेड। अब आपको ये याद रखना है कि हस्बैंड एंड वाइफ ड्यूरिंग देयर लाइफ अगर एक दूसरे को कोई गिफ्ट देते हैं तो उसके ऊपर IHT के कोई कॉन्सिक्वेंसेज नहीं होंगे, या सिविल पार्टनर एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं तो उसके ऊपर IHT के देर इज नो IHT कॉन्सिक्वेंसेज, इट इज टैक्स एग्जेम्प्टेड। पूरे सिलेबस में कई जगहों पर एग्जेम्पशन आएंगी और वो एग्जेम्पशन आपको याद करनी है अच्छे तरीके से।
क्योंकि उन एग्जेम्पशन के मार्क्स होते हैं। यूके के अंदर सिविल पार्टनर एक ऐसा रिलेशनशिप है जो मैरिज के अलावा दो लोग रजिस्टर्ड होते हैं एज अ सिविल पार्टनर, उनके पास वो तमाम राइट्स आते हैं जो एज अ हस्बैंड एंड वाइफ के पास राइट्स आते हैं। बस इतनी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए काफ़ी है। एग्जाम के अंदर वो सिविल पार्टनर अगर मेंशन करता है तो आप सिविल पार्टनर एक दूसरे को जब गिफ्ट देंगे तो वो गिफ्ट आपको एग्जेम्पशन वाली कैटेगरी के अंदर डालना है। अच्छा जी, अब फर्दर इसको लेके चलते हैं आगे कि गिफ्ट की मतलब क्या होता है, गिफ्ट का मतलब क्या होता है। तो IHT जो एप्लीकेबल होता है तो उसके लिए तीन चीज़ें होनी चाहिए। नंबर वन, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। नंबर टू, चार्जेबल प्रॉपर्टी। नंबर थ्री, बाय अ चार्जेबल पर्सन। सबसे पहली चीज ये है कि IHT किसके ऊपर लगता है। IHT चार्जेबल पर्सन पे लगता है और हमारे केस में चार्जेबल पर्सन कौन होगा, एक इंडिविजुअल। इसका मतलब है कंपनी वगैरह के ऊपर IHT के कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होते। IHT के कॉन्सिक्वेंसेस हमेशा इंडिविजुअल पर होंगे। एक शख्स किसी दूसरे शख्स को गिफ्ट देता है, एक शख्स किसी ट्रस्ट को गिफ्ट देता है, तो वो चार्जेबल पर्सन कहलाएगा IHT पर्पस के लिए। ट्रांसफर ऑफ वैल्यू क्या होती है। ट्रांसफर ऑफ वैल्यू का मतलब होता है कि आपके पास जो चीज़ थी, जो वैल्यूएबल चीज़ थी, तो आपने अगर किसी को कुछ गिफ्ट किया तो आपके पास से वैल्यू कम हुई और सामने वाली पार्टी के पास चली गई, तो आप उसको क्लासिफाई करते हैं एज ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। तो ट्रांसफर ऑफ वैल्यू यूजुअली एग्जाम में गिवन होती है। हम वो ट्रांसफर ऑफ वैल्यू निकालना सीखेंगे, अगर सवाल में ना दी हुई हो तो वो कैसे निकाली जाती है। सो हम ट्रांसफर ऑफ वैल्यू को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू इज एनी गिफ्ट दैट रिजल्ट्स इन रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ डोनर्स स्टेट। यानी कि अगर मैं किसी को कोई गिफ्ट दे रहा हूं तो क्या वो गिफ्ट देने से मेरी वेल्थ के ऊपर कोई फर्क पड़ रहा है। अगर पड़ रहा है तो उसको कहा जाएगा ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। ये ट्रांसफर ऑफ वैल्यू हमारे सिलेबस में यूजुअली गिवन होती है। अगर ना दी हुई हो तो ट्रांसफर ऑफ वैल्यू मैं आपको निकालना सिखाऊंगा और उसके लिए हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। ट्रांसफर ऑफ वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाएगा वैल्यू ऑफ गिफ्ट बिफोर ट्रांसफर माइनस, रादर हमें ये करना चाहिए वैल्यू ऑफ गिफ्ट की जगह वैल्यू ऑफ स्टेट जो उसकी बिलोंगिंग्स थी बिफोर ट्रांसफर माइनस वैल्यू ऑफ स्टेट आफ्टर ट्रांसफर। स्टेट का मतलब होता है उसके पास जो चीज़ें रखी हुई हैं। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो चला जाएगा ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। मसलन एक शख्स के पास 800,000 वर्थ का डेट स्टेट था, बिलोंगिंग्स थी, उसने उसमें से किसी को 2,00,000 की बिलोंगिंग्स दे दी, तो अब आप उसके पास देखेंगे तो क्या, सॉरी 2,00,000 उसके पास बच गई, तो अब उसके पास जो रिमेनिंग वैल्यू पड़ी हुई है वो 2,00,000 पड़ी हुई है ना, पहले 8,00,000 थी बिफोर एंड आफ्टर, अब 2,00,000 हो गई, तो इसका मतलब 6,00,000 उसने किसी को एज अ गिफ्ट ट्रांसफर कर दिया। इसको कहा जाता है ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। आगे शेयर्स के केस में ये ट्रांसफर ऑफ वैल्यू हमें निकालनी होगी। मेजॉरिटी केसेस के अंदर एग्जाम में ये ट्रांसफर ऑफ वैल्यू गिवन होती है। इस ट्रांसफर ऑफ वैल्यू को एक और नाम दिया जाता है जिसका कहा जाता है डिमिन्यूशन इन वैल्यू, वैल्यू का कम होना इसको ये भी कहा जा सकता है। अच्छा, इसके बाद यहां पर एक वर्ड यूज हो रहा है ट्रांसफर ऑफ वैल्यू ऑफ चार्जेबल प्रॉपर्टी बाय अ चार्जेबल पर्सन। तो चार्जेबल प्रॉपर्टी हमारे लिए इतनी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। एनी गिफ्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ वैल्यू इज कंसिडर्ड एज चार्जेबल प्रॉपर्टी। यानी कि वो आपकी बिलोंगिंग होनी चाहिए, किसी और की नहीं होनी चाहिए,
तो वो आप अगर किसी को गिफ्ट देते हैं और ट्रांसफर ऑफ वैल्यू होती है तो इसका मतलब है उसके ऊपर IHT के कॉन्सिक्वेंसेस लगेंगे। डोनर जो गिफ्ट दे रहा है और डोनी जो गिफ्ट रिसीव कर रहा है। ओकेजन ऑफ चार्ज मैंने आपको बताया, ओकेजन ऑफ चार्ज, चार्ज लगता कब है? चार्ज के दो ओकेजन है, एक लाइफ टाइम, जब आपने लाइफ टाइम गिफ्ट दिया, ठीक है, और दूसरा ऑन डेथ। ये दो ओकेजन है जिसके ऊपर टैक्स लगता है, या तो टैक्स लाइफ टाइम में लग रहा होगा या टैक्स जो होगा एट द टाइम ऑफ डेथ लगेगा। इट्स वेरी सरप्राइजिंग टू नो कि इंसान जिंदा रहे तब भी टैक्स देना है और अगर एक इंसान मर जाए तो तब भी टैक्स देना है। अब लोग कहेंगे कि यार अगर वो मर गया फॉर एग्जाम्पल तो टैक्स कौन देगा? टैक्स वो देगा जिसे गिफ्ट मिला होगा, या टैक्स वो देगा जिससे वो अपनी विल में अपने एसेट्स ट्रांसफर करके इस दुनिया से रुखसत हुआ, इस दुनिया से गया। सो इट्स वेरी गुड, टैक्स वाले ना जिंदगी में टैक्स माफ कर रहे हैं ना एट द टाइम ऑफ डेथ टैक्स माफ कर रहे हैं। नाउ एज वी डिस्कस्ड के IHT के जो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं उसको हम PET CLT में क्लासिफाई करते हैं, तो अब हम इसको डिस्कस करते हैं लाइफ टाइम गिफ्ट की क्लासिफिकेशन फर्दर। लाइफ टाइम गिफ्ट इंटू पोटेंशियली एग्जेम्प्ट ट्रांसफर एंड चार्जेबल लाइफ टाइम ट्रांसफर। लेट्स डिस्कस व्हाट इज PET एंड इसकी क्या क्लासिफिकेशन होती है। अगर एक शख्स अपने बेटे को, बेटी को अदर देन ट्रस्ट कोई गिफ्ट करता है, फॉर एग्जाम्पल से सपोज मिस्टर ए मेड फॉलोइंग गिफ्ट, इसने पहला गिफ्ट किया अपने बेटे को फॉर एग्जाम्पल 30th June 2018 और इसकी ट्रांसफर ऑफ वैल्यू थी 1,50,000। उसके बाद उसने दूसरा गिफ्ट किया 30th September 2019 और इसकी ट्रांसफर ऑफ वैल्यू थी 2,00,000। ये अपने डॉटर को किया, और तीसरा गिफ्ट इसने किया 31st December 2020 3,00,000 टू हिज वाइफ। तो हमें ये क्लासिफाई करना पड़ेगा सबसे पहले, क्या ये पोटेंशियली एग्जेम्प्ट ट्रांसफर है? यस दिस इज पोटेंशियली एग्जेम्प्ट ट्रांसफर, दिस इज पोटेंशियली एग्जेम्प्ट ट्रांसफर, एंड एज फार एज वाइफ इज कंसर्न सो दिस इज कॉल्ड एन एग्जेम्प्ट ट्रांसफर। ये कंप्लीटली एग्जेम्प्ट ट्रांसफर है, इसके ऊपर कोई IHT के कॉन्सिक्वेंसेस नहीं हो। फिर आपको रेलेवेंट टैक्स ईयर आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, 30th June 2018 किस टैक्स ईयर में फॉल करेगा? 18-19 के अंदर। September 19 फॉल करेगा 19-20 के अंदर, और 20 फॉल करेगा 20-21 के अंदर। बिकॉज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि टैक्स ईयर 6 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 5 अप्रैल पे जाकर ख़त्म होता है, तो हम उसके हिसाब से उसका टैक्स ईयर आइडेंटिफाई करेंगे। नाउ अगर एक पोटेंशियली एग्जेम्प्ट ट्रांसफर किया जाए तो क्या उस पर टैक्स लगेगा? पोटेंशियली एग्जेम्प्ट ट्रांसफर एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर देयर इज नो टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस। सरप्राइजिंगली जब एक बंदा गिफ्ट करता है उस टाइम के ऊपर ना डोनर को टैक्स देना है ना डोनी को टैक्स देना। यानी कि अगर एक शख्स किसी दूसरे शख्स को, एक बंदा अपने बेटे को कोई गिफ्ट करता है अपनी लाइफ के अंदर, तो जिस डेट के ऊपर वो गिफ्ट कर रहा है उस टैक्स ईयर के अंदर देयर विल बी नो टैक्स कॉन्सिक्वेंस। लेकिन जब उस शख्स की डेथ हो जाएगी तो ये जो ट्रांसफर है ये समटाइम्स टैक्सेबल बन जाता है। अब देयर आर टू कॉन्सिक्वेंसेस एट द टाइम ऑफ डेथ। हम ये देखेंगे कि जो गिफ्ट करने वाला है क्या वो गिफ्ट की डेट के विद इन 7 ईयर्स डेथ हुई उसकी या आफ्टर 7 ईयर्स डेथ हुई। हमें ये जज करना पड़ेगा। कहाँ से जज करना पड़ेगा? डेट ऑफ ट्रांसफर से।
सो फॉर एग्जाम्पल डेट ऑफ ट्रांसफर है उसको काउंट कर लिया जाएगा, अगर वो 7 साल के बाद मरा तो क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, अगर वो 7 साल के अंदर मरता है तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। अगर एक शख्स गिफ्ट करने के विद इन 7 ईयर्स मर जाता है तो पीईटी बिकम्स टैक्सेबल, पोटेंशियली एग्जेम्प्ट ट्रांसफर नाउ बिकम्स टैक्सेबल। लेकिन अगर एक शख्स गिफ्ट करने के 7 साल के बाद मरता है, इवन 1 दिन के बाद मरता है, 7 साल और 1 दिन, सो दिस पोटेंशियली एग्जेम्प्ट ट्रांसफर इज नाउ कंप्लीटली एग्जेम्प्ट, नो टैक्स। ड्यूरिंग लाइफ तो है ही नहीं, एट द टाइम ऑफ डेथ भी समटाइम इट इज टैक्सेबल एंड समटाइम इट इज कंप्लीटली एग्जेम्प्ट। दैट्स वाई इट्स कॉल्ड पोटेंशियली एग्जेम्प्ट ट्रांसफर। क्यों कहा जाता है इसे पोटेंशियली एग्जेम्प्ट ट्रांसफर, क्योंकि ये बाज दफा टैक्सेबल होता है और बाज दफा टैक्सेबल नहीं होता। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल गिफ्ट आपने किया, उसकी डेट थी 18th June 2014, तो टैक्स ईयर बनता है 14-15, और उस शख्स की डेथ हो जाती है से सपोज 30th December 2018, which is tax year 18 and 19, तो आप काउंट करें नंबर ऑफ ईयर्स इन बिटवीन, तो आप काउंट करेंगे 2015 एक साल, 2016, 2017, 2018, सो इसका मतलब है 4 ईयर्स एंड फ्यू मंथ्स। तो गिफ्ट करने के 4 ईयर्स एंड फ्यू मंथ्स के अंदर इसकी डेथ हो गई, तो एज ए रिजल्ट जो पीईटी है वो टैक्सेबल बन जाएगा और आपको उस पर टैक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। नाउ अगर गिफ्ट की बात की जाए, वो गिफ्ट जो एक ट्रस्ट को दिया गया, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। तो अगर एक सीएलटी किया जाए ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, विच इज गिफ्ट गिवन टू अ ट्रस्ट, तो वो लाइफ टाइम में भी टैक्सेबल होता है। डिफरेंस समझें, लाइफ टाइम पे भी टैक्सेबल होता है और डेथ के वक्त भी टैक्सेबल हो सकता है। कैसे पता लगेगा, लाइफ टाइम के ऊपर वो पार्शियली टैक्सेबल होता है। यानी कि कुछ वैल्यू के ऊपर टैक्स लगेगा, सवाल ये पैदा होता है कि वो टैक्स देगा कौन, वो टैक्स डोनर देगा जिसने गिफ्ट दिया है, या वो टैक्स डोनी देगा जिसने वो गिफ्ट रिसीव किया है। डोनी हमारे केस में क्या होगा, ट्रस्ट, जिसको हमने वो गिफ्ट डोनेट किया है, गिफ्ट दिया है, दोनों पे कर सकते हैं। इट्स अ चॉइस, इट्स अ चॉइस। अगर डोनर ये कहता है कि मैं दूंगा तो डोनर भी दे सकता है, और अगर डोनी कहेगा मैं दूंगा तो डोनी भी दे सकता है। किसी एक को टैक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, लेकिन ये पार्शल होगा। और डेथ का जो रूल है वही 7 ईयर्स रूल फॉलो किया जाएगा। अगर डोनर की विद इन 7 ईयर्स डेथ हो जाती है या आफ्टर 7 ईयर्स डेथ होती है, उस पर डिपेंड करता है। अगर डोनर की विद इन 7 ईयर्स डेथ हो जाती है तो आपको एडिशनल टैक्स देना पड़ेगा। मैं आपको समझाने के लिए एक रेट कोट कर रहा हूं कि सपोज टोटल टैक्स रेट इज 40%, तो 50% इज टू बी पेड इमीडिएटली एंड 50% इज टू बी पेड एट द टाइम ऑफ डेथ इफ इट फॉल्स विद इन 7 ईयर्स कैटेगरी। और आफ्टर 7 ईयर्स अगर डेथ होती है तो नो एडिशनल टैक्स, यानी कि जो आपने इमीडिएटली दे दिया था बस उतना काफी है, अब आपको एडिशनल टैक्स इसके ऊपर देने की जरूरत नहीं है। और ये बात जहन में रहे कि डेथ के वक्त जो टैक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो डोनर की नहीं होती, एडिशनल टैक्स हमेशा कौन देगा, एडिशनल टैक्स हमेशा ट्रस्ट को पे करना पड़ेगा। सो नाउ इसको कंपेयर करें पीईटी के साथ। पीईटी में एट द टाइम ऑफ गिफ्ट नो टैक्स, बट एट द टाइम ऑफ डेथ देयर माइट बी टैक्स। सीएलटी में एट द टाइम ऑफ गिफ्ट देयर इज अ टैक्स, but at the time of death there might be some additional tax which is the responsibility of the trust not the donor, kyunki death ke waqt donor ki responsibility kaise ho sakti hai, common sense ki baat। ab hame aage baat karni hai ki kya tax transfer of value pe lagega ya us transfer of value mein se kuch exemptions kuch deductions wagera minus ki jayengi uske baad
हमें उसको उसके टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस को देखना है. सो लेट्स टॉक अबाउट फ्यू एग्जेम्पशंस जो ट्रांसफर ऑफ वैल्यू में से माइनस की जाएंगी और उसके बाद जो वैल्यू आती है उस वैल्यू के ऊपर टैक्स लगाया जाता है. तो टैक्स अथॉरिटी आपको कुछ एग्जेम्पशंस देती हैं जो आपके गिफ्ट की वैल्यू को या तो जीरो कर देती हैं या आपकी गिफ्ट की वैल्यू को थोड़ा सा निगलिजिबल कर देती हैं या नॉमिनल कर देती हैं. अब देखें ये जो गिफ्ट का ओकेजन होता है ना, ये गिफ्ट का ओकेजन जो होता है वो डिफरेंट हो सकता है कि आपने किसी शख्स को गिफ्ट किया तो वो कब किया. कुछ लोग शादी के वक्त गिफ्ट करते हैं, कुछ लोग किसी इंसिडेंट या इवेंट के ऊपर गिफ्ट करते हैं, बर्थडे के ऊपर गिफ्ट करते हैं. इस तरह से गिफ्ट दिए जाते हैं डिफरेंट सर्कमस्टांसेस के ऊपर. एक बच्चे ने पोजीशन ले ली तो उसके पेरेंट ने उसको एक कार दे दी, दिस इज़ अ गिफ्ट. तो गिफ्ट की डिफरेंट नेचर होती है. तो हमारे पास कुछ एग्जेम्पशंस अवेलेबल हैं जिसमें पहली एग्जेम्पशन जो अवेलेबल है वो है स्मॉल गिफ्ट एग्जेम्पशन. यानी कि गिफ्ट की वैल्यू नॉमिनल सी है ना, तो नॉमिनल सी वैल्यू है तो टैक्स अथॉरिटी उसके ऊपर टैक्स नहीं लगाती और कहती है कि जी ये गिफ्ट जो है माफ है, इसके ऊपर आपके टैक्स के कोई भी कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होंगे. ठीक है, इसको अभी हम डिस्कस करते हैं इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं. सेकेंड एग्जेम्पशन अप्लाइज टू गिफ्ट एट द टाइम ऑफ मैरिज, शादी के वक्त. जब एक बंदे की शादी होती है, अब डिफरेंट कल्चर्स में डिफरेंट तरीके होते हैं. हमारे यहाँ शादी होती है या इंडिया पाकिस्तान साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में होती है, एशियन कंट्रीज में होती है, तो वो नॉर्मल ये होता है कि ब्राइड और ग्रूम को उसके घर वाले, लड़के के घर वाले, लड़की के घर वाले, दोस्त, माँ बाप, पेरेंट्स देते हैं गिफ्ट. आपस में हस्बैंड एंड वाइफ भी एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं. वो हम मैरिज एग्जेम्पशन में, इवन ग्रैंड पेरेंट्स भी देते हैं, दादा दादी, नाना नानी, तो हम मैरिज एग्जेम्पशन के अंदर कंसिडर करेंगे. तीसरी टाइप है नॉर्मल एक्सपेंडिचर आउट ऑफ इनकम. जैसे पेरेंट्स नॉर्मली अपने बच्चों की एजुकेशन पे खर्च करते हैं, उनकी हेल्थ पे खर्च करते हैं, उनके फूड आइटम्स पे खर्च करते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे अंडर द हेडिंग ऑफ नॉर्मल एक्सपेंडिचर आउट ऑफ इनकम. एंड फोर्थ वन इज एनुअल एग्जेम्पशन व्हिच इज अवेलेबल फॉर ऑल. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एनुअल एग्जेम्पशन जो कि हर सवाल के अंदर हमें लेनी होती है कि ये एनुअल एग्जेम्पशन कितनी होगी. सो लेट्स टॉक अबाउट द स्मॉल गिफ्ट एग्जेम्पशन फर्स्ट. याद रहे कि ये एग्जेम्पशन जो मैं इस वक्त बात कर रहा हूं ये मैं लाइफ टाइम के ऊपर बात कर रहा हूं, ये मैं लाइफ टाइम गिफ्ट के ऊपर बात कर रहा हूं. और ये जो तीन एग्जेम्पशन है नॉर्मली, ये तीन एग्जेम्पशन जो हैं नॉर्मली, ये चारों एग्जेम्पशन जो हैं वो नॉर्मली पीईटी के ऊपर अप्लाई होती हैं. और स्मॉल गिफ्ट एग्जेम्पशन हो, मैरिज एग्जेम्पशन हो, नॉर्मल एक्सपेंडिचर आउट ऑफ इनकम हो, ये नॉर्मली सीएलटी के ऊपर अप्लाई नहीं होता. लेकिन एनुअल एग्जेम्पशन जो है वो दोनों पे अप्लाई होती है, पीईटी पे भी अप्लाई होती है और सीएलटी पे भी अप्लाई होती है. और बाकी जो तीन एग्जेम्पशन है ये नॉर्मली अप्लाई होती है किसके ऊपर, पीईटी पोटेंशियली एग्जेम्प्ट ट्रांसफर पे अप्लाई होती है. एक साथ एक ही सवाल में एक से ज्यादा एग्जेम्पशन भी आ सकती है, तो हम वो फॉर्मेट में डिस्कस करेंगे कि वो एग्जेम्पशन आप किस में से माइनस करेंगे और किस ऑर्डर में से माइनस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज स्मॉल गिफ्ट एग्जेम्पशन, इसकी डेफिनेशन क्या है और इसके रूल क्या है. यूके के अंदर स्मॉल गिफ्ट की डेफिनेशन ये है कि गिफ्ट अप टू वैल्यू ऑफ 250 पाउंड, 250 पाउंड तक का गिफ्ट. अप टू का मतलब 250 या उससे कम पर पर्सन पर टैक्स ईयर. अब इसको केयरफुली समझें. अगर आपने फॉर एग्जाम्पल एक साल में एक बंदे को एक मर्तबा में या कई मर्तबा में इतने गिफ्ट दिए कि जो 250 या उससे कम वैल्यू के हैं, तो वो स्मॉल गिफ्ट की एग्जेम्पशन में आ जाएंगे. मसलन
मैंने एक शख्स को गिफ्ट दिया 50 पाउंड का, फिर 2 महीने बाद 50 पाउंड का, फिर 2 महीने बाद 20 पाउंड का, तो ये हो गया 120 पाउंड। तो 120 पाउंड 250 के अंडर कवर होता है, तो वो सारे गिफ्ट जो है स्मॉल गिफ्ट एग्जेम्पशन में काउंट हो जाएंगे। ये पर पर्सन की बात है। इसका मतलब हुआ मैंने एक शख्स को 100 पाउंड का गिफ्ट दिया, दूसरे को 120 का दिया, तीसरे को 150 का दिया, तो पर पर्सन हम सेपरेट काउंट करेंगे कि ये एग्जेम्प्ट होगा या नहीं होगा। मसलन एक शख्स ने फॉर एग्जांपल अपने बेटे को गिफ्ट किया 300 पाउंड का टैक्स ईयर 2021 के अंदर, अपनी डॉटर को गिफ्ट किया 150 पाउंड का टैक्स ईयर 2021 के अंदर, अपने नेफ्यू को 2 गिफ्ट किए, एक 70 पाउंड का गिफ्ट किया और दूसरा 200 पाउंड का गिफ्ट किया टैक्स ईयर 2021 में, तो क्या ये स्मॉल गिफ्ट के अंदर काउंट होंगे, क्योंकि इट्स अप टू 250 पर पर्सन पर टैक्स ईयर। तो हम कहेंगे जो बेटे वाला गिफ्ट है वो एलिजिबल नहीं है, जो डॉटर वाला गिफ्ट है वो एलिजिबल है, और जो नेफ्यू वाला गिफ्ट है वो भी एलिजिबल नहीं है। सो इफ गिफ्ट वैल्यू इन टोटल इज मोर देन 250 पाउंड, इंटायर गिफ्ट इज टैक्सेबल, फिर आपको कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आप उसमें से 250 माइनस कर देंगे और बाकी के ऊपर टैक्स लगेगा। अगर वो 250 या उससे कम है तो इंटायर एग्जेम्प्ट, और अगर वो 250 या उससे ज्यादा है तो इंटायर इज टैक्सेबल, फिर आपको एग्जेम्पशन नहीं मिल सकती। नेक्स्ट एग्जेम्पशन हमारे पास आती है जिसको हम नाम दे देते हैं मैरिज एग्जेम्पशन। ये मैरिज एग्जेम्पशन मुख्तलिफ लोगों के लिए मुख्तलिफ तरीके से होती है, लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या है, एक्चुअल मैरिज या सिविल पार्टनरशिप की रजिस्ट्रेशन होनी जरूरी है। या तो आपकी मैरिज हो रही हो या आपकी सिविल पार्टनरशिप की रजिस्ट्रेशन हो रही हो, तब ये पॉसिबल है। एंड इट इज अप टू फॉलोइंग लिमिट, इट इज अप टू फॉलोइंग लिमिट, यानी कि यहां पर अप टू का कॉन्सेप्ट है कि इस लिमिट तक तो माफ है, इससे ज्यादा होगा तो एक्सेस के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। और इसकी पहली कैटेगरी है 5000 पाउंड बाय पेरेंट। अगर एक शख्स की मैरिज के ऊपर उसके पेरेंट ने उसको 5000 का गिफ्ट किया, 6000 का गिफ्ट किया, 7000 का गिफ्ट किया, अप टू 5000 इज एग्जेम्प्ट। अच्छा, 5000 फॉर फादर, 5000 फॉर मदर, मदर ने गिफ्ट किया 5000 का अलग, फादर ने गिफ्ट किया 5000 का अलग, तो अप टू 5000 इज एग्जेम्प्ट। इट मींस कि अगर 10000 का गिफ्ट किया तो हम 5000 उसमें से माइनस कर देंगे, रिमेनिंग के ऊपर टैक्स लगाएंगे, एक्सेस अमाउंट इज टैक्सेबल। इसी तरीके से अगर ग्रैंड पेरेंट्स की बात की जाए तो ग्रैंड पेरेंट्स जो भी गिफ्ट देंगे तो उसमें 2500 बाय ग्रैंड पेरेंट, दादा दादी नाना नानी जो भी ग्रैंड पेरेंट होगा, अगर 2500 तक का देता है तो फुली एग्जेम्प्ट, अगर 2500 से ज्यादा देता है तो एक्स अप टू 2500 एग्जेम्प्ट हो जाएगा। यही क्वालिटी जो है वो रिमोट एंसेस्टर्स पे भी अप्लाई होगी। रिमोट एंसेस्टर का मतलब होता है आपके रिश्तेदार, अदर देन एंसेस्टर्स जो ग्रैंड पेरेंट के अलावा हैं, उनका भी यही रेट है। इसी तरीके से अगर हस्बैंड एंड वाइफ एक दूसरे को गिफ्ट करते हैं बाय पार्टी टू द मैरिज, अच्छा आपके दिमाग में सवाल आएगा कि मैंने इनिशियली कहा था इंटर स्पाउस ट्रांसफर या सिविल पार्टनर टू सिविल पार्टनर तो एग्जेम्प्ट होती है, ये शादी के वक्त एग्जेम्प्ट नहीं होती, ये शादी होने के बाद जब वो अपनी लाइफ में एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं तो एग्जेम्प्ट होता है। एट द टाइम ऑफ मैरिज अगर हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं तो अप टू 2500 फ्रॉम ब्राइड टू ग्रूम और ग्रूम टू ब्राइड इज टैक्स एग्जेम्प्टेड, और फ्रॉम पार्टनर्स टू ईच अदर ये भी टैक्स एग्जाम कंसिडर किया जाएगा। इसके अलावा कोई आपका रिश्तेदार नहीं है, एंसेस्टर नहीं है, ग्रैंड पेरेंट नहीं है, पेरेंट नहीं है, पार्टी टू द मैरिज नहीं है, अच्छा एंसेस्टर में भाई बहन भी आ सकते हैं, ठीक है,
तो अगर कोई दोस्त आता है फॉर एग्जांपल, वो गिफ्ट देता है, तो 1000 बाय एनी वन एल्स। अगर एक दोस्त ने आकर आपको 2000 पाउंड का एक गिफ्ट दे दिया, तो उसमें से 1000 पाउंड एग्जेम्प्ट हो जाएंगे, रिमेनिंग 1000 के ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा और वो पोटेंशियली एग्जेम्प्ट ट्रांसफर बन जाएगा। याद रहे कि ये जो एग्जेम्प्शन है इसके लिए मैरिज का होना जरूरी है, विदाउट मैरिज ही एग्जेम्प्शन आपको नहीं मिल सकती। थर्ड वन इज एनुअल एग्जेम्प्शन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको एनुअल एग्जेम्प्शन कब मिलेगी, कितनी मिलेगी, किसको मिलेगी, कौन से गिफ्ट में मिलेगी। एनुअल एग्जेम्प्शन दोनों पे अवेलेबल होती है, चाहे पीईटी हो या सीएलटी हो। किसी भी गिवन टैक्स के अंदर जो एनुअल एग्जेम्प्शन है वो है 3000 पर टैक्स ईयर। याद रहे ये पर गिफ्ट नहीं है, ये है पर टैक्स ईयर। इसका मतलब है अगर एक टैक्स ईयर में आपने 3 लोगों को गिफ्ट किए तो टोटल आपकी जो एग्जेम्प्शन मिलेगी वो अप टू 3000 आपको एग्जेम्प्शन मिलेगी। और सीक्वेंस में मिलेगी ना, पहले गिफ्ट पे पहले अप्लाई करेंगे बाद में। अगर आपने फॉर एग्जांपल एक साल में किसी को 2000 का गिफ्ट किया, किसी को 4000 का गिफ्ट किया, तो ये 3000 पहले गिफ्ट के ऊपर अप्लाई होगी, एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर अप्लाई होगी। पैट पे भी अप्लाई होगी, पैट पे भी अप्लाई हो सकती है और सीएलटी पे भी अप्लाई हो सकती है। जो गिफ्ट पहले आएगा उसके ऊपर पहले अप्लाई होगी। अगर एनुअल एग्जेम्पशन अनयूज्ड रह जाती है तो वो अनयूज्ड अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी फॉर द नेक्स्ट वन ईयर। हर साल की 3000 की लिमिट है। सो फॉर एग्जाम्पल अब आपने गिफ्ट किया से सपोज 1920 में, और उस गिफ्ट की ट्रांसफर ऑफ वैल्यू थी 2000, तो 1920 की एग्जेम्पशन हमारे पास जो अवेलेबल थी वो एग्जेम्पशन हमने माइनस कर दी। कितनी एग्जेम्पशन अवेलेबल थी? 3000। सपोज पिछले साल की अवेलेबल नहीं है, तो हमने इसमें से 1920 की एनुअल एग्जेम्पशन माइनस कर दी। कितनी एनुअल एग्जेम्पशन थी? 3000, लेकिन यूटिलाइज कितनी हुई? 2000, और अनयूज्ड हमारे पास कितनी बच गई? 3000 माइनस 2000 यूटिलाइज, सो अनयूज्ड इज 1000। अब इस 1000 का क्या करें? तो हम जब नेक्स्ट ईयर में मूव करेंगे, जब हम 2021 की वैल्यू निकालेंगे, तो आपके पास 2021 की एनुअल एग्जेम्पशन आप पहले लेंगे अपनी, जो कि हर साल की कितनी है? हर साल की एनुअल एग्जेम्पशन है 3000 पाउंड, और उसके अंदर पिछले साल से जो अनयूज्ड आई होगी उस अनयूज्ड को 1000 को ऐड कर देंगे, तो आपकी इस साल की एनुअल एग्जेम्पशन 4000 बन गई। तो जिस ईयर में आप गिफ्ट करेंगे तो देखेंगे पिछले साल की एग्जेम्पशन बाकी थी या नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल अगर पिछले साल की पूरी 3000 बाकी थी, तो अब आपके पास जो मैक्सिमम एनुअल एग्जेम्पशन आएगी वो कितनी हो सकती है? करंट ईयर की 3000, और पिछले साल अगर यूटिलाइज नहीं हुई तो प्रीवियस ईयर की भी 3000। तो टोटल मैक्सिमम एनुअल एग्जेम्पशन किसी भी गिवन टैक्स ईयर के अंदर कितनी आ सकती है? दिस इज द मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं हो सकती, इससे कम हो सकती है लेकिन इससे ज्यादा नहीं हो सकती। फर्दर जब हम प्रैक्टिस करेंगे सवाल, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे 3000 लेते हैं, कैसे 4000 लेते हैं, कैसे 6000 लेते हैं, कब 3000 लेंगे, कब 4000 लेंगे, कब 6000 लेंगे। अगर पिछले साल कोई गिफ्ट ना हो, इफ लास्ट ईयर इज हैविंग नो गिफ्ट, फॉर एग्जांपल किसी ने अपनी जिंदगी में पहली मर्तबा गिफ्ट दिया, फर्स्ट टाइम गिफ्ट दिया इन द टैक्स ईयर 2021, तो ऑलवेज एज्यूम दैट कि आपका जो लास्ट ईयर था
उसका 3000 अनयूज्ड पड़ा हुआ है। तो जब हम 2021 का 3000 लेंगे तो लास्ट ईयर का 3000 भी लेंगे, तो टोटल आपके पास जो एग्जेम्पशन आ जाएगी वो एग्जेम्पशन आपके पास आ जाएगी 6000 प्रीवियस ईयर के 3000 और करंट ईयर के 3000। तो ये हमारी तीन एग्जेम्पशन हो गई। इस तीन एग्जेम्पशन से रिलेटेड कोई सवाल है तो आप वो सवाल अभी पूछ सकते हैं।